Hi everyone, I'm back again and today I'm going to teach you how to make white chicken biryani. मैंने ये रेसिपी मेरी सिस्टर से सीखी है और आज वो मुझे इस रेसिपी बनाने में मेरी हेल्प कर रही है वाल आई एम शूटिंग द वीडियो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले राइस के लिए मैंने पानी गर्म पे रख दिया है, उसमें सॉल्ट ऐड किया है और हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे, सूखा गर्म मसाला. मैंने इंग्रेडिएंट्स देखिए लिस्ट आउट किए हैं वीडियो में, तो जैसे काली मिरी है, दालचीनी है, बे लीव्स है, लौंग है, इलायची है, ये सारी चीज़ें हमें पानी में डाल के बॉईल करनी है. राइस को वॉश कर लेना है और जैसे ही पानी बॉईल होता है हमारा उसमें हम राइस ऐड करेंगे. तो देखिए सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ. आई होप ऑल ऑफ़ यू आर स्टेइंग एट होम एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू आर सेफ. प्लीज़ डू नॉट गो आउट अनलेस इट्स रियली अर्जेंट. स्टे एट होम एंड स्टे सेफ गाइस. देखिए सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए, पानी ऑलमोस्ट मेरा बॉईल हो गया है. ये देखिए मैंने मसाले की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की है. तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है एक बड़ी से कढ़ाई में. और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अनियंस जो बिरयानी के होते हैं, तो मैंने लगभग 1 kg अनियंस को यहाँ पर कट किया है और उसमें नमक लगा दिया है. और उसके बाद जैसे ही तेल गर्म होता है अनियंस को मैं इसके अंदर डालूंगी और इसे फ्राई करूँगी, जिसका हम बिरिस्ता बनाएंगे. गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है गाइस. सो लुक एट दिस, माय सिस्टर्स हेल्पिंग मी ऐड ऑल दिस इनटू द पॉट. हम ये बिरयानी पूरी फैमिली के लिए आज बना रहे हैं. देखिए मैंने चावल धोकर, जैसे ही पानी बॉईल हुआ है मैंने पानी के अंदर चावल डाल दिया है. सो ओके, यार हमारी जो अनियंस है वो फ्राई हो रहे हैं. चलिए मसाला प्रिपेयर करते हैं. तो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट के अंदर मैंने दही ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है. अभी हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. इस बिरयानी में हमें रेड चिली पाउडर नहीं डालना है. देखिए राइस भी मेरा बॉयल हो गया, मैंने स्ट्रेन करने के लिए रख दिया है. थोड़ा सा कलर और फ्लेवर के लिए हमने थोड़े से गर्म पानी में सैफ्रन ऐड करके रखा है. ये देखिए बिरिस्ता हमारा ऑलमोस्ट रेडी है. ये टेक्सचर होना चाहिए गाइस. थोड़ा सा जो फ्राइड अनियंस है हम साइड में हटा के रखेंगे, हमें मसाला बनाना है उसका. और बाकी के जो अनियंस है उसके अंदर हमने ये जो मसाला भी बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है. इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि पूरी स्मेल चली जाए. देखिए पटेटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिरयानी गाइस. मैंने पटेटोज कट कर लिए हैं. तो जो साइड में हमने अनियंस रखा था उसमें हम कैश्यू डालेंगे और इसी के साथ हम थोड़ा सा कर्ड डालकर इस मसाले को पीसेंगे. और ये भी हम जो हम मसाला भून रहे हैं उसके अंदर ऐड करेंगे. ये देखिए ऐसे पीस लिया है मैंने, पानी नहीं डाला है थोड़ा सा भी. तो मसाला यहाँ पर अच्छे से भून रहा है हमारा. उसमें चिकन ऐड कर दिया है. गिव दिस ऑल अ नाइस मिक्स. एंड इसके अंदर अब हम पोटैटोज डाल रहे हैं. तो पोटैटोज हमने इसमें ऐड कर दिए हैं एंड वी आर गोना गिव दिस अ नाइस मिक्स. इसे लगभग 10 मिनट तक हमें पकाना है, जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता, पोटैटो सॉफ्ट नहीं हो जाते. बट जस्ट बिफोर दैट लेट्स नॉट फॉरगेट टू ऐड इन सम फ्रेश कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स. गिव दिस ऑल अ नाइस मिक्स और इसे थोड़ा देर पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पर. ग्रीन चिलीज भी ऐड कर रही हूँ. इफ यू डोंट वॉन्ट टू ऐड ग्रीन चिलीज यू कैन स्किप दिस स्टेप. तो 10 मिनट के बाद हम जो मसाला हमने बनाया था कैश्यू और अनियंस का, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाना है अच्छे से मिक्स करके. तो चलो अब राइस ऐड कर देते हैं. तो राइस को इस तरह हमें लेयर्स में ऐड करना है. जस्ट डोंट पोर इन ऑल द राइस इन टुगेदर. ये देखिए राइस पूरा हमने डाल दिया है. अभी जो सैफरन हमने पानी में भिगोया था वॉर्म वाटर में, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे. दिस विल गिव अ लाइट येलोइश कलर एंड अ सुपर फ्लेवर टू द बिरयानी. अब बिरयानी को हमें ढककर 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है. एंड आफ्टर 20 मिनट्स हियर इट इज, बिरयानी इज रेडी गाइज. सर्व इट विद अ यमी रायता. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इफ यू लाइक दिस रेसिपी. कमेंट कीजिए, लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू कुक समथिंग एल्स. थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल.